नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास टेंथ मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। इस वीडियो में भी आपको हम बता रहे हैं थीटा का मान है 30 डिग्री, यहाँ पर हम रखेंगे 30 डिग्री तो 2 हो गया और यहाँ पर कॉस हो गया आपका, हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 के मान होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 cos 3θ बराबर 1/1 है, तो यहाँ 2 जो है गुणा में होता है कि बटा में हो जाएगा 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है तो 3θ बराबर 60 डिग्री, तो थीटा के मान हो जाएगा आपका ये 20 डिग्री, आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका cos 90 - θ तो sin θ के बराबर होता है, ए नंबर आंसर हो गया। अब ये देखिए sec है और ये आपका sin है, इसको हम बदलेंगे तो cos 70 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos a है और प्लस cos² बराबर 1 है, क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर जो है cos² जो है a है और इधर 1 है, इतने का वैल्यू निकालना है, कॉस को उधर भेज देंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे cos² और 1 - cos, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इतने का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए cos 3θ 1/60 डिग्री तो 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, cot 60 का मान होता है आपका 1/√3, आंसर हो गया बी नंबर। अब देखिए cos इस तरह से है डॉट डॉट, cos 90 का मान 0 होता है, बाकी 0 हो जाएगा आंसर। sin / ये आपका sin है, ठीक है, इसको बदलेंगे तो cos हो जाएगा, cos 61 तो tan 61 आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10θ बराबर 12/5 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, P/B होता है, h निकाल लेंगे, h निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 13। ठीक है, तो sin θ बराबर तो P/S तो 12/13 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 2 tan 30 डिग्री, तो 2 हो गया, 10 के मान रख देंगे यहाँ पे, 1 + 10 का मान रखेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा इसका 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अब है आपका यहाँ पर 10 15 है, 15 × 75 आपका 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया, 1 × 1 तो आंसर हो जाएगा 1 आपका। अब sec a बराबर cosec b बराबर इतना है, तो sec a का भी मान निकाल लेंगे और b का भी निकाल लेंगे और उसको जो है ऐड कर देंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका ये √3 है, इधर sin θ है, तो इधर लिखेंगे sin θ और बाटा इधर लिखेंगे cos θ और बराबर 3 sin θ, इधर √3 है तो साइन से साइन कटेगा और cos इधर चल जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि cos θ बराबर 1/√3 हो जाएगा, cos θ बराबर 1/√3। यहाँ पर हम क्या करें, cos θ दिया है, अब यहाँ हम निकाल लेंगे आपको sin θ का वैल्यू और तब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो आपका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह वाला का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, cot θ बराबर हो जाएगा 3/5, cot θ बराबर फॉर्मूला होता है cos θ और बटा होता है sin θ, तो ये cos का मान हो जाएगा, ये sin का मान हो जाएगा, 3 cos का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 25 और 3 × 9, 5 × 20 और ये हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, इस तरह हो जाएगा 16/29, आंसर बी नंबर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46, sin x² है, इसको हम चेंज करेंगे तो π/180 हो जाएगा, तो π/180 हो जाएगा तो अल्फा कह रहा है तो π/180 आंसर। फिर इसको आपको बनाना है √3/10θ, वही वाला सेम क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट है 7 sin²θ 3 cos²θ बराबर 4, तो sec θ + cosec θ, इसको हम sin² बदल देंगे 1 - sin²θ, तो खाली sin θ में हो जाएगा, तो sin θ का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर हम पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है 10α + β इतना है, 10α बराबर दिया है तो बीटा के मान बताना है, तो 10α + β का फॉर्मूला होता है 10α + 10β बाटा 1 - 10α × 10β, इस पर बनाएंगे 1/√3 आएगा, a और b पूरक है तो cot c का मान बताना है, 0 आ जाएगा।